अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने स्वीटी को रेडी किया लेकिन मैं रेडी तो मैंने बालों को भी क्रिम्प कर लिया है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है जो मैंने काली पूजा / दिवाली पे पहना था। मैं कपड़े बहुत बार रिपीट करती हूँ। अगर आप लोगों को गलत फहमी है कि मैं कपड़े एक बार पहन के फिर मैं उसको कबर्ड में सड़ने देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 2, 3, 4, 5 जितनी बार मुझसे हो सकता है मैं उतनी बार पहन लेती हूँ। एंड आई होप कि मेरा क्रिम्प शादी तक रहे। 10:30 बज रहे हैं, हम 11 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। देखते हैं, 11 बजे का टाइम दिया हुआ है हमने गाड़ी वाले को, पर अभी देखते हैं हम कितने बजे निकलते हैं। मैं आपको अपडेट देती हूँ। अपने कपड़े रेडी कर रही थी जो मैं शादी में पहनूंगी, वो पैक कर रही थी मैं। ये है मेरा ब्लाउज़, बेसिकली ब्लू पहनने वाली हूँ मैं। ये ब्लाउज़ मैंने मीशो से लिया था, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है गाइस, इतना अच्छा है। ये मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि इसमें छोटे साइजेस अवेलेबल नहीं थे। और ये है मेरा इनाफी, ब्लू कलर में लिया है। और ये है चकचाबी, सो प्रिटी। मैं अभी इसको पैक करती हूँ, फिर मुझे नेल पॉलिश भी लगाना है। ओ हाँ, मेरे इयररिंग्स दिखाना तो मैं भूल ही गई। ये है मेरे इयररिंग्स, ओके इयररिंग्स, ये भी ब्लू कलर में है। अभी आसपास मैं ATM वगैरह देख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कैश निकालना है। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हम पहुंच गए हैं शादी के घर और जा रहे हैं हम उनके घर के अंदर। अभी हम खाने जाएंगे और मैंने इधर आओ स्वीटी। मैंने स्वीटी को रेडी किया लेकिन मैं रेडी नहीं हुई हूँ अभी तक। वाह स्वीटी, माँ के दिखा, सो प्रिटी। जे तेनू धूप लगे आवे तवे छाव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं। और अभी हम ड्राइव के घर जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। हाय बोलो। हाय। और वो है मेरी बहन इधर। हाय हाँ, ये है मेरी मौसी जी। तुझसे ये वादा तेरे बगैर ना कोई दूजा सोही है, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। तुझ पे ही सांस लाके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। बात दिल की नजरों रे
मीना का फोटोशूट चल रहा है। लो पकड़ो। डिनर रेडी। दूल्हा आ चुका है अभी। प्रीवियस वीडियो सच में वायरल गया था, तो 1 लाख के ऊपर व्यूज आया था, पता है वो। हाँ तो बोलो। ब्राइड की एंट्री होने वाली है। चुप करके अपना मुंह चुप कर। हम अभी मेरे मामा के रिलेटिव हैं, हम वहाँ पर आए हैं अभी। और हाँ, ये है सिलचर कॉलेज। धूप बहुत है। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम शायद घर जाए, पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि आज हम घर जा पाएंगे? मुझे क्या पता? तो पता करके बताओ मुझे। वॉक करना है तो ये मुझे भी साथ लेके जा रही है। ये है सिलचर कॉलेज। ओके। जब मामा की शादी हुई थी तब मैं आई थी, बहुत साल पहले। उसके बाद मैं आज आ रही हूँ। पहचान में ही नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा घर है मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी याद आ चुका है, घर ये है। तब जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वो नहीं बना हुआ था, तो इसलिए मतलब मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। पता नहीं आज हम घर जा पाएंगे या नहीं। मेरा तो सिर में दर्द होने लग गया है। तुम्हें क्या लगता है कि आज हम जा पाएंगे घर? मुझे क्या पता। अभी हम हमारी मामी के मायके आए हैं और ये है उनका मंदिर। खुले तो रहे वहाँ पे कृष्ण भगवान है राधा जी के साथ और गणपति बप्पा भी है। बहुत सुंदर मंदिर है। हाई बोल दो ना। और ये देखो तुलसी का पौधा भी कितना अच्छा है, इतने बड़े बड़े पौधे। वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स दिखाओ इधर। वाओ। तो कपड़े भी नहीं लाए, एक ही सलवार सूट पहना हुआ है जो मैंने कल 11 बजे से पहना हुआ है, वो भी मैंने। मुझे क्या पता था हम इतना लेट होने वाले, तब तो मैं कपड़े लाती। इधर आता। ये है मेरी बहन दिव्या। थैंक यू। तो मैं घर आके पहुंच गई हूँ। मैं 4 बजे पहुंच गई थी, अभी 6 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पर मैं ऐसे टाइम पे सो नहीं पाती हूँ। मुझे डिनर करके फिर जब रात होती है तभी सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे सो नहीं पाती हूँ। और शादी में भी इतना मज़ा नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही बोरिंग लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे जान पहचान के लोग बहुत कम थे और ऐसे ही बस हम एक तरफ थे और बैठे हुए थे, कुछ करने को भी नहीं था। तो इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया बेसिकली। और
इतना ट्रेवल किया ना, मतलब यहाँ से यहाँ किसी को पिक करना है, फिर उनको वहाँ पे रखना है, फिर से जाके उनको पिक करना है, इतना सारा ट्रेवलिंग हो गया। मतलब मैं ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती हूँ अभी। पहले तो 5-6 दिन भी अगर ट्रेवल करना होता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रेवल कर सकती थी, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे गाड़ी पे बैठने में बहुत सफोकेशन होता है, और किसी भी गाड़ी पे, ऑटो, बस, कार, कुछ भी गाड़ी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाहर निकलने से मुझे खाने पीने में भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। मुझे भूख बहुत लगती है लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ, और खाने का मन भी नहीं करता लेकिन भूख लगती है। जब मैं घर पे होती हूँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि घर में बीमार होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में ही हूँ, लेकिन बाहर जाकर फिर बीमार पड़ गई तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।